हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मछली जाल में आ गई चड़ूड़, मछली जाल में आ गई। नगर में घुसते ही उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। क्षमा करें महाराज, ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। क्यों? उसके कई कारण हैं। क्या कारण हो सकता है? पहला तो ये कि सारे नगर में ये सूचना फैल चुकी है कि अक्रूर के साथ कृष्ण मथुरा आ रहे हैं उत्सव देखने के लिए। यहाँ जो ग्वाले दूध बेचने के लिए आते हैं, उन्होंने ये समाचार चारों तरफ फैलाया है और न जाने कैसे लोगों को इस बात की भी सूचना मिल गई है कि कृष्ण नंद का पुत्र नहीं है बल्कि देवकी का आठवां पुत्र है। बस इस समाचार के मिलते ही जनता में जैसे फिर से एक नया जोश पैदा हो गया है। जोश? कैसा जोश? वही पुरानी बात कि यदि यह देवकी का आठवां पुत्र है तो यही तारनहार है जिसकी उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। फिर वही तारनहार, तारनहार, तारनहार। जो तारनहार का नाम ले, क्या उसकी जिह्वा नहीं काट सकते तुम? काट सकता हूं, उन सब की जिह्वा काट सकता हूं मैं। परंतु महाराज, आप ये मत भूलिए कि इस समय आपके निमंत्रण पर दूसरे कई प्रदेशों के राजा और सरदार यहां आए हुए हैं। उनके अतिरिक्त बाहर के राज्यों से हजारों लोग यहां का उत्सव देखने के लिए मथुरा के बाजारों में घूम रहे हैं। उनके यहां रहते, उनकी आंखों के सामने हम मथुरा वासियों का कैसे दमन करेंगे? चारों ओर एक ऐसा भयानक उपद्रव फैल सकता है कि फिर उसे संभालना असंभव हो जाएगा। फिर हम अपने शत्रु को कैसे मार सकेंगे? चाणूड़ कैसे मार सकेंगे? महाराज, जरा धीरज से काम लीजिए। यह उतावली का नहीं, धैर्य का समय है, धैर्य का। तनिक सोचिए, आपका परम शत्रु
इस समय स्वयं चलकर आपके जाल में फंसने के लिए आ रहा है। उसे शांति से अंदर आने दीजिए। उसके आते ही मथुरावासी चारों ओर से उसके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ेंगे। उन्हें खुश होने दीजिए, उन सबको उसकी जय जयकार करने दीजिए। जनता उसकी जय जयकार करेगी और हम हाथ पर हाथ धरे चुपचाप ये तमाशा देखते रहेंगे। नहीं महाराज, चुपचाप तमाशा मत देखिए, बल्कि आपकी ओर से भी आपके मंत्री उसका एक राजकुमार की भांति ही स्वागत करें। उसे आज की रात एक सुंदर अतिथि गृह में ठहराया जाए। जनता का जोश घड़ी भर का होता है। उसका इस प्रकार स्वागत सत्कार होता हुआ देखकर मथुरावासी शांत हो जाएंगे और चुपचाप अपने अपने घरों में जाकर सो जाएंगे। फिर तो कई तरीके हैं महाराज। समझ गया चाणूड़, समझ गया। रात के अंधेरे में अतिथि गृह के अंदर ही उसकी हत्या कर दी जाएगी। फिर वही उतावली। महाराज, हमारे पास ऐसी सुंदर सुंदर चालें हैं जिससे दिन के उजाले में सारी प्रजा के सामने यह कार्य इस प्रकार संपन्न हो जाएगा और कोई भी आप पर शक की उंगली नहीं उठा सकेगा। कौन सी चालें? पहली तो ये कि आपके हाथी कवल्या पीठ को आज सारी रात मद पिलाकर मदमस्त कर दिया जाएगा, ताकि जब प्रातः कृष्ण रंगशाला को जाने के लिए नगर चौक से गुजरे तो उस पागल हाथी को उस पर छोड़ दिया जाए। पलक झमकते ही वो हाथी अपनी सूंड में लपेटकर पैरों तले कुचल देगा। कदाचित वो वहां से भाग भी जाए तो रंगशाला आते ही आपके वो पहलवान जिनमें 100-100 हाथियों का बल है उसे वीरता प्रदर्शन के लिए अखाड़े में ललकारेंगे। और यदि वो लड़ने से इनकार करता है तो लोगों की नजरों में गिर जाएगा कि ये कैसा तारनहार है जो एक पहलवान से ही नहीं लड़ सकता। और यदि वो लड़ना स्वीकार करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। महाराज, आपके पहलवानों में अकेला मुष्ट ही इतना बलवान है कि एक ही ताव में उसके शरीर के चिथड़े उड़ा देगा। दूसरे पहलवानों की तो बारी ही नहीं आएगी। और ये सब आपकी आंखों के सामने होगा, जनता की आंखों के सामने होगा। शाबाश शाबाश चाणूर, शाबाश। इसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जी महाराज, ये ऐसी चाल है कि एक तीर से दो शिकार। पहली बात तो ये कि जिस शत्रु से आप आज तक भयभीत थे वो समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात, जब लोगों के सामने कृष्ण के टुकड़े होंगे तो इतने बरसों से उनके मन में जो विश्वास है तारनहार के लिए, जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा भी खत्म हो जाएगी कृष्ण के साथ। उत्तम, अति उत्तम। काका वो आ रहा है। कौन? तारनहार। कौन तारनहार? हमारा तारनहार, देवकी का अष्टम पुत्र। सच? देवकी का अष्टम पुत्र? हाँ, अष्टम पुत्र कृष्ण, उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण? हाँ। देवकी का अष्टम पुत्र, क्या वो जीवित है? हाँ, उसे गोकुल में छिपा कर रखा गया था। सुना है अक्रूर जी उसे साथ लेकर आ रहे हैं। काका, ये तो गोकुल वालों ने कमाल कर दिया। क्या हुआ? कितने वर्षों तक उस बालक को छुपा के रखा। अब वो बालक नहीं रहा, तरुण हो गया है। तरुण? आज ही गोकुल के दो ग्वाले मिले थे, कह रहे थे कि वो इतना सुंदर है कि तीनों लोक में ऐसी छवि देखने को नहीं मिलेगी। अरे भाई, भगवान का अवतार है, छवि तो देवताओं जैसी ही होगी। अरे देवताओं जैसी नहीं, भगवान जैसी कहो, भगवान जैसी। भगवान तो ऐसा होता है
कि जिसके सामने देवता भी नतमस्तक रहते हैं। हमारा क्या सौभाग्य है कि आज उस अलौकिक छवि के अद्भुत दर्शन होंगे। ये सोच सोच कर ही मुझे रोमांच हो रहा है। अभी बस अब बिक्री नहीं करूंगा। हाँ? दुकान बंद कर रहा हूँ मैं। क्यों? आज हमारे तारनहार आने वाले हैं, उनके दर्शनों के लिए चौक जा रहा हूँ। सुना है उनका रथ उधर से ही निकलने वाला है। इसके दाम? अरे पैसे कल दे देना भाई, अभी मुझे समय नहीं है। अरे बुलवा जी, जल्दी से सामान अंदर रख, दुकान बंद कर दे। अरे तारनहार के दर्शन करेंगे। अरे अरे सब दर्शन के लिए यहाँ आकर खड़ी हो गई। किसी ने पुष्पों का प्रबंध किया है कि नहीं? जब वो यहाँ से निकलेगा तब उस पर पुष्प वर्षा नहीं करोगी क्या? सुखमणि जल्दी जल्दी कर, रथ आने वाला होगा। ठहर, टोकरी तो भर लूं। अरे रे रे रे, ये तुम लोग क्या कर रही हो? सारी फुलवारी उजाड़ दी। अरे जानती नहीं, ये महाराज कंस की फुलवारी है, यहाँ फूल तोड़ना मना है। होगी महाराज की फुलवारी, परंतु आज हमें फूल तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? मैं अभी सैनिकों को बुलवाता हूँ। बुला ले। अब महाराज के सैनिकों से कोई नहीं डरता। आज हमारे तारनहार आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? हमारे तारनहार। कौन तारनहार? तारनहार, उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण? कृष्ण आने वाले हैं? हाँ हाँ, कृष्ण आने वाले हैं। अरे ये तो महाराज कंस का माली है, इसे क्या पता कृष्ण कौन और तारनहार कौन। चलो भागो, नहीं तो ये सैनिकों को बुला लेगा। हाँ, हाँ, चलो, 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 आ गए प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। वो देखिए, मथुरा नगरी का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। आहा, कैसी पवित्र नगरी है, कैसा दिव्य स्थान है। जी अक्रूर जी, इस नगरी को मदुरा नाम के एक राक्षस ने बसाया था। शिव जी का बड़ा परम भक्त था वो। उसी के नाम से ये पहले मदुरा और फिर मथुरा नगरी कहलाने लगी है। वस्तुतः ये पुण्य धरती भक्तराज ध्रुव की तपोभूमि है। यहां उस महान बालक ने ऐसी घोर तपस्या की थी कि स्वयं भगवान को अपने चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट होना पड़ा था। इसीलिए इस धरती के कण कण में एक दैवी आभास है। अयोध्या, अवंतिका, मायापुरी, काशी आदि जो सात मोक्षदायिनी पुरियां हैं, उनमें एक मथुरा नगरी भी है। इसीलिए इस पवित्र धरती को प्रणाम कीजिए। सारथी रथ रोको। मथुरा नरेश की ओर से राजकुमार कृष्ण का स्वागत है। महाराज की आज्ञा से एक विशेष अतिथि गृह में राजकुमार के निवास का प्रबंध किया गया है। स्वयं महाराज कल प्रातः रंगशाला में आपसे भेंट करेंगे। अच्छा प्रबंध है। दाऊ भैया, हाँ? हम अतिथि गृह में थोड़ा विश्राम करके फिर नगर की शोभा देखने चलेंगे। अवश्य, आप चलिए। चलो सारथी। हे
मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। ये क्या पागलपन कर रही हो? पागलपन नहीं, मैं उसे एक बार भराग देखने का प्रयास कर रही हूँ। जन्म से आज तक उसका मुख भी नहीं देखा, अब वो कंस भैया के पास जा रहा है, जाने वो क्या करेंगे। मैं नहीं जानती मेरे भाग्य में फिर उसका मुख देखना लिखा भी है कि नहीं, इसीलिए एक बार मुझे उस चरों के से देख लेने दो। मैं चाह कर भी तुम्हें उस चरों के तक नहीं पहुंचा सकता, वो मेरी पहुंच से बहुत दूर है देवी, बहुत दूर है। हे भगवान, ये कैसी माँ के हृदय की परीक्षा ले रहे हो, कैसी परीक्षा ले रहे हो। यदि भगवान पर विश्वास करती हो तो उसकी शक्ति पर भी विश्वास करो। देखने रही ये कितना बड़ा चमत्कार है, कंस की नगरी में कृष्ण की जय जयकार हो रही है, कृष्ण की जय जयकार हो रही है, कृष्ण की जय जयकार हो रही है। आओ चले। सारथी रथ रोको। एक दिन दुखी होकर मैं महामुनि गर्ग से यह पूछने गया कि किस पाप के कारण मुझे इस जीवन में यह काम दिया गया है कि अपनी जीविका कमाने के लिए मुझे प्रतिदिन फूलों की माला बनाकर उस पापी कंस के गले में डालनी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा था मेरे पाप कर्म समाप्त हो गए हैं और मेरा कोई पुण्य कर्म उदय होने वाला है, मैं इन्हीं हाथों से एक दिन जगत के तारणहार श्री कृष्ण के गले में फूलों की माला डालूंगा। आज उनका वचन सत्य हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया, प्रभु मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया। उठिए, आज से हम केवल तुम्हारे ही हाथों से बनी पुष्पमाला पहना करेंगे। चलो सारथी,
कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा? भैया उसे सीधे राजमहल ले गए होंगे। भैया, भैया क्या कहेंगे उससे? क्या, क्या करेंगे उसके साथ? क्या करेंगे उसके साथ? देवी, मुझे लगता है जो आकाशवाणी हुई थी उसके सत्य होने का समय आ गया है। हाँ देवी, चिंता के अंधकार से निकलो, आशा का सवेरा होने वाला है, आशा का सवेरा होने वाला है। देवी, महाराज की आज्ञा है आपकी सुख सुविधा में कोई त्रुटि न रहे, इसलिए आप कोई भी इच्छा व्यक्त करने में संकोच न करें। चारों ओर सेवक हर घड़ी उपस्थित रहेंगे। महाराज को हमारी ओर से धन्यवाद कह दीजिएगा। जी सुंदर, क्या आवभगत हो रही है? लगता है कंस कोई गहरी चाल चल रहा है। अभी कुछ नहीं, आवश्यकता पड़ने पर बुला लेंगे। जी अवश्य। युहार स्वामी, विशेश्वर अपने कुछ और लोग भी हैं यहाँ? दो लोग और हैं। विशाल बगीचे में माली का काम कर रहा है और नरोत्तम रसोई घर में बर्तन धोने की नौकरी कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। नरोत्तम से कहना कि रसोई पर दृष्टि रखे, कहीं वो भोजन में कुछ मिला ना दे। स्वामी, इसीलिए उसे वहां रखा गया है। दाऊ भैया, अक्रूर जी तो अपने कार्यों में व्यस्त हैं। चलिए हम चलकर तब तक रंगशाला देखाते हैं। देखे तो कि कल के उत्सव की क्या तैयारियां हो रही हैं। आप अकेले जाएंगे? हाँ। नहीं नहीं, वहां जाना ठीक नहीं। उसी जगह वो दिव्य धनुष रखा हुआ है जिसकी कल पूजा की जाएगी। इस समय कंस के सैनिकों का पूरी तरह से पहरा है वहां। सैनिकों का पहरा है तो कोई बात नहीं, हम दोनों दूर से ही उसके दर्शन कर लेंगे। क्यों अक्रूर जी? इनसे कहिए ना कि हमारी चिंता ना करें। तुम चिंता ना करो विशेश्वर, इनकी रक्षा का भार हम पर नहीं, प्रत्युत हमारी रक्षा का भार इन पर है। चले दाऊ भैया। चलिए। कैसी मधुर सुगंध आ रही है दाऊ भैया। हाँ? ये सुगंध कहां से आ रही है? सुगंध? यहां तो सुगंध वाली कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। हाँ, केवल वो एक कुबड़ी आ रही है। हो सकता है उसी के पास से ये सुगंध आ रही हो। उस कुबड़ी के पास से? हाँ हाँ, एक कुबड़ी के पास भी सुगंध हो सकती है। अच्छा, चलो दिखाता हूं। चलो। हटो, हटो यहां से, रास्ता छोड़ो। कैसे छोड़ दे,
तुम्हारी इस डलिया से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है। क्या छिपा रखा है इसमें? ये तुम्हारे काम का नहीं है, हटो। अरे सुंदरी, तुम्हें इतना क्रोध शोभा नहीं देता। कौन हो तुम सुंदरी, जो अपने क्रोध में भी इतनी सुंदर लग रही हो? बोलो ना सुंदरी, कौन हो तुम? तुमने मुझे सुंदरी कहा? मुझे? हाँ। पहले ये बताओ कि कौन हो तुम निर्दयी, जो एक कुरूप कुबड़ी स्त्री को सुंदरी कहके उसकी हंसी उड़ा रहे हो, जिसका लोग कुब्जा कहके उपहास करते हैं, जो लोगों के तानों से दुखी होकर अकेली छिप छिप कर सूनी गलियों से जाती है, ताकि ये घृणित शब्द बार बार मुझे न सुनना पड़े। फिर भी किसी ना किसी घर से, कहीं ना कहीं से ये व्यंग्यवाण तो आ ही जाता है, ये व्यंग्यवाण तो आ ही जाता है कि देखो वो कुब्जा जा रही है, वो कुब्जा जा रही है। उनके तानों से दुखी होती हूँ, उनके उपहास को सह लेती हूँ, क्योंकि ये सत्य है कि मैं कुब्जा हूँ। परंतु ऐसा क्रूर उपहास किसी ने कभी मुझसे नहीं किया जो तुमने मुझे सुंदरी कह के किया है, सुंदरी कह के किया है। छेड़ना ही था तो तुम मुझे कुब्जा कह लेते, मैं सह लेती। परंतु ऐसा शब्द कहकर तुमने मेरे हृदय पर घाव कर दिया है। किसी दुखी दीन व्यक्ति का इस तरह उपहास नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसका हृदय छलनी हो जाए, उसका हृदय छलनी हो जाए। मैंने हंसी तो नहीं उड़ाई सुंदरी, मैंने तो केवल वही कहा है जो सत्य है। ये सत्य है, एक एक कुबड़ी शरीर कुरूप मुख तुम्हें सुंदर लगता है? हाँ। देवी, मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा देखता हूँ। हाँ। तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है उसे लोग नहीं देख सकते, परंतु मैं तुम्हारी वो परम सुंदर आत्मा देख रहा हूं, इसलिए तुम्हें सुंदरी कहा मैंने। आत्मा की सुंदरता को किसने देखा है? शरीर तो कुरूप है ना, लोग तो उसी को देखते हैं। शरीर की कुरूपता और सुंदरता प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार होती है, ये सदा नहीं रहती, ना ही सुंदरता सदा रहती है और ना ही कुरूपता सदा रहती है। बुढ़ापे में एक सुंदर शरीर भी मुरझा जाता है, जब कर्मों का समय बदलता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब एक कुरूप शरीर भी कमल की भांति सुंदर लगने लगता है। मैं वही देख रहा हूं, तुम्हारी कुरूपता के अंत का समय आ गया है देवी। जिस श्राप के कारण तुम्हें यह कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ था, उस श्राप की अवधि समाप्त हो गई है। हमारा विश्वास करो सुंदरी, फिर वही
तनिक स्थिर रहो, हम अभी दिखाते हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? ये चंदन, ये अंगराग मैं महाराज कंस के लिए ले जा रही हूँ, सब मिट्टी में मिल जाएगा। वे तो मेरी गर्दन ही काट देंगे। जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया हो उसका महाराज कंस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा विश्वास करो सुंदरी, हमारे पास आ गई हो तो आप कंस के पास जाना नहीं होगा। यदि इस अंगराग का डर है तो ये डलिया हमें दे दो, अब इसका सेवन हम करेंगे। कौन हो तुम? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जीवन भर ये अंगराग मैं तुम्हारे लिए ही बनाती रही हूं। अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैं कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा करती रही हूं। हाँ, यही सत्य है, कई जन्मों से तुमने हमसे कोई नाता जोड़ रखा है, तभी तो हम आए हैं। मैं जानती नहीं हूं कि तुम कौन हो, परंतु आत्मा के अंदर से कोई आवाज दे रहा है कि ये चंदन, ये अंगराग तो क्या है पगली, अपना सर्वस्व इनके चरणों में समर्पण कर दे। यही तेरा सर्वस्व है, यही तेरा सर्वस्व है, ले लो प्रभु, ये सर्वस्व तुम्हारा ही है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं दूंगी। जी चाहता है आज मैं अपने हाथ से तुम्हारे शरीर पर इस अंगराग का लेप करूं, जिस प्रकार आज तक मैं उस पापी के शरीर पर लेप करती आ रही हूं, उसी प्रकार आज तुम्हारे अंगों को इस अंगराग से सुवासित कर दूं। चलो प्रभु, चलो मेरी कुटिया पर, चलो प्रभु, इस दासी को एक सेवा का अवसर दो प्रभु। अच्छी बात है, परंतु तुम्हारे महाराज क्या कहेंगे? कहीं गर्दन काट दी तो? कौन महाराज, तुम्हें देखने के पश्चात तो अब मुझे ना कोई महाराज दिखाई देता है ना कोई और। अब तो आत्मा के अंतर तक केवल तुम ही तुम हो और कुछ नहीं, एक प्रकाश ही प्रकाश है, और उस प्रकाश में जैसे मैं डूबती जा रही हूं, जैसे मेरा अपना अस्तित्व ही नहीं रहा।
सुंदरी, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कुरूपता का समय समाप्त हो गया है। क्या चाहिए? प्रभु, अब तुम्हारे सिवा मुझे क्या चाहना है? तुमने स्वयं ही तो मेरे मन में ये भावना जगाई थी कि तुम मेरी कुटिया में और मैं अपने हाथों से तुम्हारे अंग अंग को अपने अंग राग की कला से सुभाषित कर दूं। बस उसी संकल्प को पूरा कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमें तुम्हारा यह संकल्प स्वीकार है। हम वचन देते हैं कि हम तुम्हें एक दिन इस सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। हम स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे। असल में तुम्हारे पिछले जन्म का ये ऋण है हम पर। जब राम अवतार के समय हम धरती पर आए थे तो तुमने हमारे लिए बड़ी तपस्या की थी। तुम्हारी वो तपस्या इस जन्म में अवश्य सफल होगी, परंतु आज नहीं। आज नहीं तो कोई बात नहीं, जब मैंने इतने जन्मों तक प्रतीक्षा की है तब मैं इस जन्म में भी आज से अपनी कुटिया में बैठी इन चरणों की प्रतीक्षा करूंगी। सिर धरी
हम लोग भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। चलो चलो, बाहर से दर्शन करो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। अब अंदर आ ही गए हैं तो भगवान के चरण तो छू लेने दीजिए। अब आप ही कहिए ना पंडित जी, हम भी शिव जी के परम भक्त हैं। अब आ गए हैं तो प्रणाम कर लेने दो। जी महाराज। आहा, कैसा भव्य धनुष है, क्या कल इसी का यज्ञ होगा? हाँ, ये भगवान शिव का ही धनुष है, इसी के निमित्त कल माहेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। तनिक इसे छूकर देख ले। इसे उठाकर देखें। इसे उठाओगे तुम? चेष्टा करता हूं। बालक, इसे उठाना कोई खेल नहीं। आज संसार में कोई ऐसा नहीं जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे उठाकर दिखा सकता हूं। अच्छा, प्रयास करो। कृष्णा